इस्लामिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे शरिया में किस तरह से निकल के आया और क्यों निकल के आया कलोनिकल पीरियड के बाद उसके जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में बना जो हमने इनहेरिट किया तो उस लिहाज से मुसलमानों के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक बेचैनी थी इस चीज़ की कि दे वॉन्टेड टू फाइंड आल्टरटि जो थे वो एक तरफ फतवा तो दे रहे थे कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग इज़ Not Islamic, but then they had to come up नॉट इस्लामिक बट दैन देट प्रेशर टिपिकलीट जो है कुरान के अंदर और स्ट्रॉ यानी स्टॉन्च वार्निंग है और वो one of the biggest sins में और मज़ेदार बात यह कि सिर्फ इस्लाम में नहीं जूडम में क्रिस्टानिटी में और उसके इवन पहले के मजहब में कुछ ना कुछ मिलता है यू के अंदर तो इंटरेस्ट रेट एट थ्री से हम इकनॉमिक हस्ट्री को देखेंगे तो इकानिक के नज़दीक एट टाइम्स थ्री परसेंट हैज़ बीन एक्स्ट्रॉडनरी इंटरेस्ट रेट इस्लाम ये कहता है पहले डिसाइड कर लो कि आर यू इन द चैरिटी मोड और यू आर यू इन द बिजनस मोड एक हदीस में आता है कि अगर आपने हंड्रेड थाउजेंड का मतलब हंड्रेड थाउजेंड का मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ लेकिन जिस भी अमाउंट का आपने किसी को लोन दिया तो इट इज़ एज ऑफ कि आप हर रोज़ हंड्रेड थाउजेंड का सदका कर रहे हैं तो इस्लाम में रिटर्न लेना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम हाँ अनजस्टिफाइबल रिटर्न मैं ले सकता हूँ शरिया के हिसाब से अनजस्टिफाइबल नहीं होना चाहिए तो वॉट शरिया कॉल अनिफाइड मुदारबा या मुशारका ये दोनों प्रॉफिट पार्टिसिपेशन बेस्ड हैं यानी आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं टू यू शेयर द बॉटम लाइन विद योर पार्टनर्स फॉर एग्जाम्पल कन्वेस्टल में ये पॉसिबल है कि उसने अभी आपको पेमेंट की है अभी गाड़ी आपके हाथ में नहीं आई उसने आपसे रिटर्न लेना शुरू कर दिया यहाँ हम कहते हैं उसके हाथ में गाड़ी आ जाए और गाड़ी वो यूज़ करने लग जाए अब उसकी उजरत या रेंट देगा

इंजंक्शन आई है उसके लिए काफी है इस्लामिक फाइनेंस कितनी कॉम्प्लिकेटेड है कितनी आसान है क्या है आज हम इस्लामिक फाइनेंस के बारे में हम सीखेंगे डॉक्टर जीशान अहमद के साथ डॉक्टर जीशान एक पीएचडी हैं मिसिसिपी है स्टेट यूनिवर्सिटी से लम्स के साथ उनका ताल्लुक रह चुका है तकरीबन 30 साल से वो उनकी मुख्तलिफ़ लाइफ एक्सपीरियंसिस हैं ऑडिट में भी काम कर चुके हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी रह चुके हैं और अभी प्रो चांसलर हैं रिसेंटली चार्टड गजाली यूनिवर्सिटी के और हम सारी मालूम करेंगे कि इस्लामिक फाइनेंस क्या है और आप अपनी जिंदगी में इस्लामिक फाइनेंस किस तरह से इनकोपरेट कर सकते हैं डॉक्टर जीशान अहमद कैसे हैं आप आज अलहदुल्ला जी बहुत अल्लाह का करम है बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला अपने स्केडूल से यहाँ आके और मैंने आपकी उस दिन हिदया एकेडमी पे आपकी मैं बात सुन रहा था इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से और मैं बड़ा मोटिवेट हुआ कि इस टॉपिक पे मैं काफ़ी अरसे गुफ्तु करना चाह रहा था किसी से लेकिन कोई मुझे मिल नहीं रहा था कि कौन किससे मैं क्या बात करूं फाइनेंस <laughs> एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस्लामिक फाइनेंस और कन्वेंशनल फाइनेंस में काफ़ी लोग कहते हैं कि फ़र्क हैं लेकिन एट द सेम टाइम लोग कहते हैं ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है बात वही है एट द एंड ऑफ द डे आप एक प्रॉफिट दे रहे हैं किसी को आ, पैसे रखवाने के लिए तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना चाहूंगा इस्लामिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे शरिया में किस तरह से निकल के आया और क्यों निकल के आया देखिए सबसे पहले तो ये कि नेशनल बैंकिंग की 300-400 साल की हिस्ट्री है और कलोनिकल पीरियड के बाद उसके जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में बना जो हमने इनहेरिट किया वो बाय लार्ज उसी मॉडल पे था जो एक्चुअली मुसलमानों के पास नहीं एग्जिस्ट करता था तो वहाँ पे देखा जाए तो उसमें क्लियर कट आउटराइट मतलब अगर हम नेम करें टॉप सिंस इन इस्लाम तो ज़ाहिर रिबा या सूद या यूज़री टॉप पे आती है तो उस लिहाज से मुसलमानों के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक बेचैनी थी इस चीज़ की कि दे वॉन्टेड टू फाइंड आल्टनीटि तो उसके और यानी एक तरफ जॉब मार्केट में ऐसे लोग थे जो ऐसे इंस्ट्यूशन के लिए काम करना चाहते थे जो जो कंप्लाइंट हो दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स ऐसे मीन्स देख रहे थे जो उनको रिटर्न कंप्लाइंट मिल सके फाइनेंसर्स या ऑन्टरप्रीन इस तरह से फाइनेंस ही कर रहे थे कि जहाँ कम्पलाइंट रिटर्न हो श्रिया कम्पलाइट रिटर्न हो तो ये डिमांड की वजह से इसकी एक, एक प्रेशर था और जो थे वो एक तरफ फतवा तो दे रहे थे कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग इज़ नॉट इस्लामिक बट दैन दे हैड टू कम अप विद ऑल दैट प्रेशर वो सारा जो वो फिर इवॉल्व हुआ और इसकी फिर एक हिस्ट्री रही उस दिन मुफ्ती शाह साहब ने बताई भी थी कि स्लोली ग्रेजुअली सिक्सटीज़ में सेवेंटीज़ में एटीज़ में इवॉल्व होते होते फिर नाइन्टीज़ में कुछ प्रैक्टिकल मॉडल्स इवॉल्व किए और फिर वो आ, बहुत कम है ऐसा कि हुकूमत की तरफ से मैक्रो लेवल पे ऑल अक्रॉस द बोर्ड इनकी जो ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स थी वो आ, लोग थे मार्केट्स थी उनकी डिमांड थी जिनके मैंने नाम लिए जो तो जो कर रहे थे और फिर ओवर टाइम प्रोडक्ट्स भी इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी डेवलप होती चली गई तो इसमें दो चीज़ें एक तो आपने जिक्र किया कि रिबा यूजली जो है वो खिलाफ है इस्लाम के राइट जी, right? जी जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है शायद उसी को मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ कि रिबा का कॉन्सेप्ट है कि इस सॉर्ट ऑफ अन अन अनरियलिस्टिक गेन और अनरियलिस्टिक रिटर्न जी ऑन ए लोन जी ठीक है तो अगर हम लोन पेमेंट्स या इंटरेस्ट रेट देखें आज अगर आज कन्वेंशनल बैंक का इंटरेस्ट रेट देखें टिपिकली इंटरेस्ट रेट जो है इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन लास्ट ईयर जो रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन तकरीबन चौबीस परसेंट थी तो अगर उसका इंटरेस्ट रेट 24 परसेंट है तो वो यूजली तो नहीं हुआ ना वो तो आप अपने पैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर मेरे पैसे चौबीस फीसद right. उनकी वैल्यू गिर जाएगी तो इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं आप अपने पैसे हमारे बैंक में रखें yeah. आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा आपके पैसों की वैल्यू प्रोटेक्टेड रहेगी तो, yeah. तो ये तो यूजली तो नहीं हुआ जी इस बने में उलमा ने इस पर बहुत तहकीक भी की इस बने में कि इन्फ्लेशन इज रिलेटिवली रेलिटिवली रिसेंट फिना गोल्ड सिल्वर कॉइन्स दरम दिनार जो होते थे उसमें इन्फ्लेशन नहीं होता था बट एक चीज़ ऐसी है कि क्योंकि उसके अंदर कुरान के अंदर बहुत स्ट्रॉग यानी स्टॉन्च वार्निंग है और वो वन ऑफ द बिगेस्ट सिंस में और मज़ेदार बात यह कि सिर्फ इस्लाम में नहीं जूडम में क्रिश्चियनिटी में और उसके इवन पहले के मज़ाहब में कुछ ना कुछ मिलता है तो जो जो चीज़ जब उलमा उसको देखते हैं तो कहते हैं यार अच्छा इट्स बेसिकली वॉट इट्स एट द एंड ऑफ़ द डे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने जो दिया था उससे ज़्यादा अगर आपने बिल्ट इन कर लिया वो टेन परसेंट है फाइव परसेंट है हंड्रेड बेसिस पॉइंट है लेकिन पहले से तय हो गया और आपने वो लिया तो वो उसको रिबा के डेफिनेशन में करते हैं अब मसला ये आ जाता है कि क्या यानी इन्फ्लेशन के अंदर भी इन्फ्लेशन के मल्टीपल मेजर्स हैं एस है सी है, है बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं सो so आप कैसे इक्वेट करेंगे तो वो इस बात को तो इंक्रेज करते हैं कि आप किसी जब आप किसी को लोन दें तो हार्ड करेंसी में दे दें किसी को आप लोन दें तो गोल्ड में दे दें किसी ऐसे मेटल में दे दें से फिर वही मेटल या वही हार्ड करेंसी ले लेकिन वो थोड़ा सा वो रूट अवॉइड करते हैं, जहां पर जब पैसा दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर पैसे लिए जाए हालांकि इसमें यह बात भी बड़े लेवल्स पे ओलमा में डिस्कस हुई है ग्लोबल लेवल पे डिस्कस हुई है का क्या करें लेकिन नन ऑफ दु कम फॉरवर्ड एंड से इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग का मतलब समझ रहे मतलब कुछ उसमें पैक करके उतना बिल्कुल बट uh, इस पर इन्होंने कभी दरवाजा खोल नहीं सके मिल के बैठ के भी और इसकी क्वेश्चन में लेकिन जो दूसरे ऑल्टरनेटिव निकाले वो उनके लिए ज्यादा शरिया वाइज और अल्लाह के सामने पेश करने के वाइज उनके नज़दीक ज्यादा सेफ है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जहाँ मेरे लिए कन्फ्यूजन आता है वो ये है कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड को देखू टू मी क्रेडिट कार्ड इज एक्चुअली यूजरी ठीक क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने एक मंथली पेमेंट मिस कर दी तो क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल एपी आर के है एनुअल परसेंटेज रेट उसका जो मंथली रेट इज टिपिकली द सेम एज एन एनुअल रेट ऑफ अ बैंक यानी कि अगर बैंक 24 परसेंट इंटरेस्ट रेट दे रहा है क्रेडिट कार्ड पे महीने के 24 फीसद हैं तो सालाना आप हिसाब लगा लें चौबीस टाइम्स ट्वेल्व मतलब दैट्स अ वेरी हाई नंबर यानी कि लुकिंग क्लोज टू थ्री हंड्रेड परसेंट हां यस दैट मेक्स सेंस ठीक है तो ये अन इस्लामिक हो सकता है right. इसी तरह से अगर हम माइक्रो फाइनेंस सॉरी माइक्रो लोन्स देखें आजकल right. एक इलेक्ट्रॉनिक लेंडिंग मार्केट क्रिएट की गई है आप एक पांच छह हजार रुपए का लोन ले लें अगले महीने से पांच हजार इस महीने लिए अगले महीने आपने छ हजार वापस करें यानी right. कि हजार रुपए ऑन टॉप ऑफ द फाइव थाउजेंड तो बीस परसेंट आपने ज्यादा दिए अगेन साउंड लाइक इट्स रिब एंड यूजली बट बैंकिंग सेक्टर में मतलब ग्लोबली अगर आप देखें तो यूएस के अंदर तो इंटरेस्ट रेट वज थ्री परसेंट फॉर ऑलमोस्ट फिफ्टीन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स एंड इन्फ्लेशन वॉज रफली द सेम टू टू थ्री परसेंट के बीच में रहता था right. तो वाई वो रेकन्सिलियेशन क्यों नहीं हो पा रही है कुछ चीज़ों में तो है नज़र आ रहा है क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जाम्पल बट जहाँ पे इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा और दूसरी चीज़ ये थी कि एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है फॉर द रीजन ऑफ इन्फ्लेशन पार्टली बट सौ रुपये जो आज के हैं वो दस साल बाद सौ रुपये वही वर्थ नहीं रखते राइट right. तो वापसी जब आपको पैसे मिलेंगे तो सौ से ज्यादा ही मिलेंगे right. तो हाउ डू यू दैट देखिए पहले दो तीन पॉइंट्स हैं इसमें एक तो इस्लाम को थोड़ी देर के लिए छोड़ें एज एन इकोनॉमिस्ट एज इकोनॉमिट फाइनेंस एक्सपर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो आपने बात की कि अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखेंगे तो इकोनॉमिस्ट के नज़दीक एट टाइम्स थ्री परसेंट हैज बीन एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरेस्ट रेट डिपेंडिंग द इकोमी कभी इकोनॉमी डिफ्लेशनरी रहती है जापान में बहुत अरसेन परसेंट भी करते वी था वी था वी गौसे रगे गौसे रगे। कुछ इकोनॉमीज ऐसी जब चिली में रही ब्राजील में रही और जगहों पर रही जब वो वॉर के अंदर वो प्रिंटिंग प्रेस बना के आप छापते रहे पैसे और उधर जो है ना पचास फीसद भी ज्यादा नहीं है क्योंकि पचास इन्फ्लेशन को नहीं बैठे बिल्कुल सही है तो अब कौन तय करेगा ये रेड लाइन मतलब इतना बड़ा खतरा है हु इज गोइंग टू ड्रॉ वन परसेंट है फिफ्टी परसेंट है और हर दफा हम हर एक को देंगे कि वो तय करें तो इसलिए इस्लाम जो है वो ये कहता है कि देखिए पहली बात तो ये कि तो दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये कि इस्लाम ये कहता है पहले डिसाइड कर लो कि आर यू इन द चैरिटी मोड और यू आर यू इन द बिजनेस मोड अर्निंग मोड तो अगर चैरिटी मोड में है तो यू बी सरप्राइज के जो कर्ज हंसना किसी को देना है यानी विच इज़ लाइक विदाउट एनी रिबा विदाउट एनी रिटर्न विदाउट एनी इंटरेस्ट आप किसी को पैसा देते हैं तो उसकी बहुत फजीलत आई एग्जाम्पल ये इमाम हनीफा की किताब है हदीस के मसंद इमाम आजम उसकी एक आखिरी हदीस है तो बड़ा विविध डिस्क्रिप्शन है पैराडाइज का और उसकी पंच लाइन है वो ये कि वो पैराडाइज वो इनहेरिट करेगा कि जो किसी को लोन देगा और फिर उसकी डिमांड करने में सख्ती नहीं करेगा यानी यू लेट गो यू वुड से ओके टेक यूर टाइम

अर्निंग मोड में है देन uh, शरिया फिर आपको दूसरे अल्टरनेटिव देती है वो जो हम कह रहे थे मुशारका मदार भी कमी नहीं है बट देन यू हैव टू स्ट्रक्चर इट इन डिफरेंट वे ईदर दे इज गोइंग टू ब रियल एसेट इन्वॉल्ड और देर दे इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिट पार्टिसिपेशन वे देस अ चांस ऑफ लॉस इज वेल सो वहाँ से शरिया फिर कुछ रजिटमेसी की बेसिस है जिससे फिर आपको पूरा करा के और उसकी ऐसा नहीं कि आज किसी आलिम ने वो अपनी तरह से इंजीनियर कर ली या इन्वेंट कर ली नहीं वो शुरू से किताबों में मौजूद थी वो वो प्रैक्टिस इस्लामिक सोसाइटी में अरसे तक थी हमने बड़ी बड़ी हुकूमतें बनाई हैं ऑटोमन अम्पायर हमारी थी मुग़ल अम्पायर हमारी थी तो वहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स चल रहे होते थे जो इस्लामिक थे और इस्लामिक फंडिंग के इस्लामिक फाइनेंसिंग के भी थे तो आप जो बात कर रहे हैं उसमें ये कि आप अगर करना चाहते हैं किसी को लोन भी देना चाहते हैं और आप थोड़ा सा कोशिश हैं कि यार मुझे अपना ये पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वापस रिटर्न हो तो फिर उल्मा ये कहते हैं स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आप उसको हार्ड करेंसी में डॉलर में यूरो में गोल्ड में सिल्वर में उसको दे दें और फिर वही करेंसी उससे उतनी नहीं वापस लें तो अनलाइक रुपी जहां का इम्पैक्ट ना जी डिशन का इम्पेक्ट मिनिमल हो और दूसरी जगह जो है वो बल्कि गोल्ड वगैरह तो अप्रीशिएट होता है दूसरा अगर आप अगर वाकई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं और रिटर्न मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो फिर आप कर्जा नहीं देंगे फिर आप लोन नहीं देंगे

चार्टी अब तो ऐसी प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं कि जो बीच में है ठीक है रिटर्न थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा मगर ये बच्चों के स्कूल बनाने में या अस्पताल बनाने में लगेगा तो ये भी अब सुकूक भी इस तरह के लॉन्च हो रहे हैं दूसरी चीजें सोशल सुकूक कह लें सोशल बॉन्ड्स कह लें सो आई थिंक जो आपका सवाल है वो बहुत अहम है लेकिन आपको ये डिसीजन पहले लेना है और आप एक दफ़िस मकसद से मैं ये पैसे दे रहा हूँ और इस्लामिक का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अगर रिटर्न सीख कर रहे हैं

जो लट से अगर मैं लट से एग्जांपल देता हूं दुनिया में इंस्टाग्राम या फेसबुक एक ही है अगर मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है उस पर तो उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो मुझे भरनी पड़ेगी क्योंकि इसका कोई लट से सब्सटीट्यूट नहीं है राइट right. राइट right? right. तो जो भी डिमांड होगी रीजनेबल अन रिजनेबल वो तो मुझे भरनी पड़ेगी दैट्स बोड आई मीन बाई दैट देखें शरिया में जो जो बेसिक नेसेसिटीज के गुड्स हैं जो इंसान को सर्वाइवल के लिए चाहिए यानी अनाज यानी क्रॉप्स हो गए बेसिक चीजें हो गई उसके अंदर कोई ख़ास तौर पर अगर होर्डिंग करके उसकी प्राइस मैनिपुलेट करता है कार्टल्स बना के प्राइस मैनिपुलेट करता है लेकिन शरीयत में तो इट वाज नॉट कंसिडर्ड शुगर एज और एनीथिंग मगर right. यस जो आपकी बेसिक चीजें हैं घर पे चलाने वाली उसके अंदर अगर आप होल्ड करके कार्टल्स बना के करते हैं तो शरिया डेफिनेटली इस प्राइस मैनिपुलेशन को पसंद नहीं करते इसके अलावा जो प्रास्तु का शाद मिलता है कि इन एबसेंस ऑफ सच मनीपुलेशन इस्लाम के अंदर यानी एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला मुकर करता है नर्ख यानी प्राइसेस और जो भी उसकी कीमत होती है तो एक फ्री मार्केट इस्लाम में एग्जिस्ट करती है लेकिन गवर्नमेंट का रोल ये जरूर होगा कि आजकल जो जिस तरह से मनीपुलेट करते हैं प्लेयर्स मार्केट के उसको जरूर चेक में रखें इसमें मेरा एक और सवाल उठ के आता है कि ये अगर मैं शरिया के प्रस्पेक्टिव से देखूँ ठीक है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मैंशन करना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो आई थिंक कुछ लोग फेमिलियर हैं कुछ लोग फेमिलियर नहीं हैं तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप उन टर्म्स की क्लैरिटी दे दें और फिर आई टू टू गो इन वन ऑफ लेयर डीप इस्लामिक फाइनेंस के अंदर एक तो लट से मुदारबा हो गया मुशारका हो गया आपने आ, एक डिमिनिशिंग मुशारका का कांसेप्ट भी बताया है फिर बे मुज्जल बे एक, या क्रेडिट सेल या ठीक है फिर सलम जी सलम एडवांस सर ठीक है फिर एक है तमरुक तवरुक तवरुक जी तवरुक हो गया फिर एक इजारा हो गया जी, created, एक, it, हो गया, जी और एक सुकूक हो गया तो एक एक करके आई वॉन्ट टू गो ओवर जी इज ईच ऑफ और इसका कन्वेंशनल बैंकिंग का काउंटर लेट से प्रोडक्ट क्या है तो लेट्स हैदारबा जी मुदारबा या मुशारका ये दोनों प्रॉफिट पार्टिसिपेशन बेस्ड है यानी आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं टू तो यू शेयर द बॉटम लाइन विद योर पार्टनर्स तो मुदारबा के केस में और मुशा केस में फ़र्क यह दोनों में साथ ही बता सकता हूँ कि इन दोनों में बेसिकली यू इन्वेस्टेड योर मनी फॉर इन सम वेंचर टू अर्न प्रॉफिट्स मुदारबा में फ़र्क ये होता है कि एटलीस्ट वन पार्टनर डज नाट है इन्वेस्टेड एंड ही हैज इज़ स्टिल शेयरिंग द बॉटम लाइन ही इज़ स्टिल शेयरिंग द प्रॉफिट्स और द ही डज नॉट टेक्निकली शेयर द लॉसेज बट ही इज़ शेयरिंग द प्रॉफिट्स हाँ वो uh, बाकी जितने पार्टनर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है और वो भी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बट वो लॉस भी बेयर करेंगे तो ये अगर ऐसी केस है इसमें दो पार्टीज हैं एक मुदारि है वर्किंग पार्टनर और दूसरा है इन्वेस्टर जो अपना पैसा कंट्रीब्यूट करता है इसकी क्लासिक मिसाल जाहिर है कि आप हजरत खदीजा की थी कि हजरत खदीजा इन्वेस्ट कर रही थी और स्था स्था वो पूरा ट्रिप जो था सीरिया की तरफ लेकर गए थे so, आजकल की फैंसी टर्मिनोलॉजी में वेंचर कैपिटल या प्राइवेट जी जी एंड ऑपरेटर जी जी बल्कुण, यही यही कॉन्सेप्ट अगर ऑपरेटर कोई पैसे नहीं लगाता और प्रॉफिट शेयर करता एट दी एंड तो स्वेट एक्विटी हो गई जी जी बिल्कुल तो मैं बेसिकली अगर आजकल की जो यंग जनरेशन की फाइनेंस के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो स्वेट एक्विटी हो गई मुशार का जी मुदार में एक्चुअली हम ये सुम कर रहे हैं कि बेसिकली जो ऑनपिनोर है

पार्टनर समझ लिया लिया गया कि इसने सम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कर है मुदारबा में 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 पार्टनर्स दोनों दोनों इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते करते हैं uh, में करते हैं मुशारका मुशारका वन कैन टाइम एंड बट इन इन्वेस्ट uh, मनी ऐप में, अच्छा, अच्छा, okay, so, में एक फाउंडर ने कोई पैसे नहीं लगाए राइट right. उसको एक्विटी मिल गई और उसने ऐप बना दिया विद हेल्प ऑफ वीसी इन्वेस्टमेंट्स जी यहाँ पे बस इस पर थोड़ा सा एक है कि एक्चुअली इसको रिटर्न मिल रहा है विदाउट कंसिडरिंग उसकी कोई एक्विटी है तो इट्स इट स्पेश मुदारबा अगर क्लासिक मुदारबा देखेंगे तो उसमें एक्विटी सिर्फ रबुल माल की समझ आती है, है, थीक है, थीक है, थीक है, थीक है और इसको प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है But not the, on the basis of his equity investment right. but on the basis of his contribution. Got it. And right. all yeah, yeah. parties have to contribute exactly. cash towards the investment. Not exactly cash. I mean, it could be in kind or it could be some other kind of equity. Hmm. But they've, they're they all considered to be investors who invested something in the business and hence, the business is making money and they can share the profits in the uh, agreed upon ratio. So, achha, from a banking perspective, bank job let's say loan, an Islamic bank, wo is is इन दोनों में किस तरह से वो ब्रेकआउट होगा लेट से मैं एक बैंक के पास गया मैंने कहा मुझे एक फैक्ट्री लगानी है राइस फैक्ट्री मुझे आप एक फाइनेंसिंग दें दे इस फैक्ट्री लगाने के लिए बुलेट फॉल अंडर मुदारबा और मुशारका देखिए बैंक में अभी जो ज्यादा मुशारका अगर हम एसेट साइड पे यानी जहां बैंक, बैंक फॉरवर्ड करता है या एडवांस करता है अपने फंड्स किसी के साथ शेयर करता है तो वहां पे जो है वो ज्यादातर मुशारका है और मुशारका में कुछ ना कुछ बैंक ये भी कहता है कि आप भी इन्वेस्ट करें बिल्कुल ठीक है वो उनकी आपको पता है मॉरल हाजी है अपना अपना डाउन पेमेंट एक होती है है आपका अपना भी होता राइट राइट तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो बैंक जब खुद अपना पैसा भी लगा रहा है आपसे भी लगवा रहा है तो वो फिर मुदारबा नहीं हो सकता कुछ ऐसे केसेस हो भी सकते हैं जहाँ पर यानी जैसे मुदारबा एसोसिएशन करती थी और बैंक में भी इसकी बात बहुत चली एंड आई एम चलीशोर के कुछ ना कुछ हुए होंगे कि जहाँ पे जो फाइनेंसियर या जो ऑनटरपिन है वो कोई पैसा नहीं लगा रहा और बैंक ही पैसे लगा रहा है इट इज क्वाइट पॉसिबल बट ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वोग में नहीं है hmm. हाँ अलबत्ता जो बैंक का रोल होता है विज अवी डिपॉजिटर तो डिपॉजिटर तो रबुल माल है हम जो अपना पैसा बैंक में रखते हैं और बैंक ये कहता है कि जी मैं इसके साथ अपने पैसे नहीं मिलाता तो मैं आपके पैसे को फिर आगे लगाता हूँ और मैं उसको ऐसे डिप्लॉय करता हूँ कि उस पर एक डिसेंट रिटर्न आन कर सके

उस पर हम उजरत ले सकते हैं तो इस केस में वो एज टू अ कन्वेंशनल हाउस लोन पर वो लोन नहीं होगा बल्कि वो आपका को ओनर बनेगा तो कहेगा जी ट्वेंटी परसेंट हाउस आपने खरीदा है एट्टी परसेंट हमने खरीदा है तो हम दोनों ओन करते हैं ठीक है मगर तो क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप भी चाहते हैं कि हाउस आपको मिल जाए वन आपके के घर में खुश थे राइट राइट तो आप चाहते हैं हाउस आपको मिल जाए और बैंक भी चाहता है कि उसके बैलेंस शीट से वो निकले ठीक है तो आप दोनों अग्री करते हैं कि फ्यूचर में एक स्केजल बनाते हैं कि स्टोली ग्रेजुअली जो आप पेमेंट करते हैं उसमें एक पार्ट एक पोर्शन होता है जो आप उसके एट्टी परसेंट का उसको रेंट दे रहे होते हैं और बाकी कॉल पार्ट होता है जो आप उसको, उसको उससे खरीद रहे होते हैं हाँ, प्रिंसिपल रीपेमेंट हम नहीं कहते उसको क्योंकि हम उसको कहते हैं कि यूनिट्स परचेज करें क्योंकि इसका बड़ा होता है ओनरशिप में बाकायदा आए और इंटरेस्टिंग I mean, है एग्जाम्पल दिन भी दी थी एक अर्थक् टावर का मशहूर है कि वो hmm. कर गया। तो वहाँ पे समझे यही सिचुएशन थी थर्टी परसेंट फोर्टी फोर्टी परसेंट पे ऑफ कर दिया hmm. दोनों केसेस में वहां पे फंडिंग इस्लामिक से भी हुई थी

हाँ जी इस केस केस में इन द द वाज वाज इट इट वेल बैंक क्योंकि आल्सो ओनर राइट बोथ बोथ ऑफ देम ओनर्स ओनरशिप रिस्क की वजह से जब खत्म हो गया तो ही कैनॉट सस्टेन एट एनी मोर इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है मोस्ट इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट इवन ऑन देशन साइड बट स्टिल Leasing is Islamic because आप दे रहे हैं एक पे करता है हम तो, तो इस हद तक तो इस्लामिक होता है ठीक है बट उसमें होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल कन्वेंशनल में ये पॉसिबल है कि उसने अभी आपको पेमेंट की है अभी गाड़ी आपके हाथ में नहीं आई उसने आपसे रिटर्न लेना शुरू कर दिया ठीक है तो वो हम कहते हैं interest ही है यहां हम कहते हैं उसके हाथ में गाड़ी आ जाए और गाड़ी वो यूज करने लग जाए अब उसकी उजरत या रेंट देगा है। so कुछ ऐसा हो गया कि बीच में गाड़ी उसके पास नहीं थी डिंड है कुछ खराब हो गई उस जमाने को रेंटल भी नहीं चार्ज कर सकता बैंक जिसमें यूजल कंडीशन में वो कार नहीं है तो उस जमाने को रेंटल भी चार्ज नहीं कर सकता नहीं। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है फाइनल इट इज अगेंस्ट दूसर रियल नॉन कंस्यूबल एसेट इसमें एज आई एज यूर आर सेइंग दिस मुझे एक सिनेरियो पेंट हो रहा है मेरे दिमाग में 2007 hmm. आर 7 6 7 8 वेल 8 प्राइमली ग्रेट रिसेशन आया था जहां पे हाउसिंग क्राइसिस आई थी यूएस के अंदर हैड देर बिन इस्लामिक बैंकिंग इन अमेरिका जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हाउसिंग प्राइसेस कोलैप्स्ड अक्रॉस द यूएस व्हिच क्रिएटेड you know, major, major devastation in the financial markets. Right. Mortgage-backed securities, credit default swaps, it had an impact on all If Islamic finance was there at how would the outcome have been different? This yeah, was our paper in 2008. Dr. Saad Azmat, a professor, a professor a chair of Islamic finance, and it was my right paper in which we found out. So, what we found was, if, had the system been Islamic, there would have been multiple circuit breakers that would not have uh, taken this crisis all the way to what it, it had culminated into. So that was clear. Tha. And what would have been those circuit breakers, for example? Example के तौर पे जैसे इन्होंने जो repackaging की थी CDOs की, CMOs की, वो possible नहीं थे कि उस तरह से की जा सके. sukuk का जो concept है. क्यों आप loans को pack करके slice नहीं कर सकते? हाँ, उस तरह से नहीं कर सकते. आपको real asset चाहिए.

और फंजिबिलिटी तो यूरोस की और सबकी होती है और इट इज़ ए ट्रेडेबल थिंग बट इट इज़ यू नो यू कैन नॉट सिंगल आउट कि यार इसका कौन सी रियल वॉन्ट या रियल uh,

साथ इस बात के कंडीशन के साथ कि व्हेन इट वुड बी रिटर्न टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट तो इसी को रिबा कहते हैं तो व्हाई वाई दैट कंडीशन अप्लाई टू दी क्रेडिट डिफॉल्ट द सीडीओ ओ ऑफ दैट टाइम क्योंकि वो इन अ सेंस अकॉर्डिंग टू दी लेट से वेस्टर्न फाइनेंशियल मार्केट्स ये भी एसेट्स ही थे जी ओके सारे सारे थे थोड़ा okay, so so टेक्निकल हो जाएगा बिल्कुल <laughs> होने दें एक रियल एसेट है जिसकी इंट्रेसिक्योरिटी है टेंजेबल है ये बिल्डिंग है।, ये, ये है बिल्कुल सही है। दूसरा है मॉनट्री एसेट जो की मिनियम एक्सचेंज के तौर पर एक्सेप्टेड है फंजेबल है हम उसको लीगल टेंडर भी है हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं बहुत सारे केस में लीगल टेंडर है तीसरा है फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल एसेड जो है ये आईओ यूज है ये काइंड ऑफ दो बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट करेंगे एट एनी गिवन टाइम एक सेकंड सेकंड बीच second वाला और थर्ड वाले में फर्क दोबारा समझा दें क्योंकि मैं समझा अगर एक लीगल टेंडर है वो भी तो एक तरह से आईओ यू है ना देखिए अब तो एक जमाने में उस सेंस में आईओ यू था कि वो कहते हैं कि वो बी पेड तो वो पेड टू द लेकिन अब तो अमेरिकन ने भी जब वो आपको पता है ब्रेटन मोडस का खत्म हुआ पीछे गोल्ड की बैकिंग खत्म हुई तो इज नथिंग दे वुड पे ओनली रिप्लेस विद विदेप्स you know a fresh uh, dollar note so the currency in itself is a is a store of value ha in itself it's a store of value but it is it does not have its intrinsic value in terms of ke ye koi aapki directly koi aapki zarurat ko need ko want ko pura kar sake main cell phone ko use karke connect kar sakta hu kisi se bhi मैं cream को खा सकता हूँ मैं laptop पे काम कर सकता हूँ मैं घर में रह सकता हूँ मैं split on करके अपना temperature <laughs> control कर सकता हूँ लेकिन जो पैसा है ना मैं खा सकता हूँ पी सकता हूँ मैं किसी कनेक्ट कर सकता हूँ इमाम हसन बसरी का बड़ा फेवरेट मेरा वो कोट है कि ये पैसा भी अजीब चीज है तुम जब फायदा देता है जब तुमसे अलग होता है तो आप कभी पे करते तो आइसक्रीम खा सकते हैं आप अगर उसको रखेंगे जेब में तो आइसक्रीम भी नहीं ले सकते सही बात है तो उस सेंस में ही फर्क है तो इनफ्रेंसिकलिटी होना जरूरी है रियल एसेट की तो ये हो गया आपका मॉनेटरी एसेट अब ये हो गया मॉनेटरी एसेट यानी जितनी करेंसीज हो गई क्रिप्टो करेंसीज हो गई या इस्लाम में दीनार यूज टू मीन सिल्वर कॉइंस धरम सॉरी गोल्ड कॉइन धरम वो सिल्वर कॉइन फलूस वोज है ना लेदर और कापर कॉइन्स तो ये था लेकिन अब अगर हम रुपी को लीगल टेंडर मनी को देखें तो ये बेसिकली पेपर मनी को देखें तो बेसिकली ये तो वही फलूस के दर्जे में एक चीज़ है जिसके पीछे बैकिंग भी किसी चीज़ की नहीं है यानी ये जो लिखा होता है हमारे रुपये पे कि हामिल हाजा को मुतालबे पैदा किया जाएगा दिस नथिंग गवर्मेंट पेज अदर देनो द सेम नोट्स

ये सारी चीजें इसमें फॉल कर सकती हैं और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो आप जिक्र कर रहे हैं वही मुदारबा मुशारका ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए एक तरह से ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मोड ऑफ फाइनेंस हैं और ये इंस्ट्रूमेंट्स में भी बदल सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स में भी बदल सकते हैं जी इनको सिक्योरिटाइज करके सेकेंडरी मार्केट इसकी आप लॉन्च कर दें राइट right. तो ये बाइनस इस्लामिक इस्लामिक, इस्लामिक फाइनेंस के प्रोडक्ट्स की सेकेंडरी मार्केट बन सकती है बिल्कुल बन सकती है 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 सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स हैं इस्लामिक सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स हैं बिल्कुल है एग्जांपल के तौर पे सबसे पॉपुलर जो है वो जारा सुकूक है राइट जारा सुकूक है जी थोड़ा समझाएंगे जारा सुकूक सो बेसिकली बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर कोई गाड़ी की तरह घर की तरह रियल नॉन कंज्यूमेबल एसेट है तो मैं उस पे फिक्स पहले से तय करके पैसे ले सकता हूं गुरेबा नहीं है राइट right? मिसाल के तौर पर कोई आपको कोई मौली साहब किसी भी फिके के ये नहीं कहेंगे कि आप जो अपनी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है गाड़ी रेंट पे देते हैं या हॉल रेंट पे देते हैं या लैपटॉप रेंट पे ले लेते हैं तो ये रबा लेना देना कर रहे हैं आप नो बड़ी सहजता है राइट सो आप बेसिकली जो वो उसका कॉर्पस है उसको किसी को दे के उसको उसका यूजर फ्रक्ट अलाव करके कि उसको इस्तेमाल करे और फिर इस्तेमाल के अगेंस्ट पैसे आपको दे दे उस यूज उस कॉर्पस की वो जो लैपटॉप आपने लट से किराए पर दिया है घर किराए पर दिया है उसकी कॉर्पस की उसकी थिंग इट की ओनरशिप आपकी है लेकिन आपने कुछ पीरियड के लिए साल भर के लिए दस साल के लिए उसको किराए तो आप उससे रिटर्न ले सकते हैं राइट अब इसी को हम अगर सिक्योरिटाइज करना चाहें तो विल डू इज पूल ऑफ सच एसेट्स मे बी प्रॉपर्टी मे बी जैसे डॉलम रीड्स हैं फिर आप क्या करते हैं इसको छोटे छोटे इसके ऊपर क्या करते, है? करते हैं आप पेपर क्रिएट करते हैं आप कहते हैं अच्छा ये एक पूल हो गया ना इतने बिलियन का पूल हो गया इसका अंडरलाइंग एसेट क्या है वो डॉलमिन की प्रॉपर्टी है ये दुबई की प्रॉपर्टी है फिर आप कहते हैं इसके अच्छा ये तो बहुत बल्कि एसेट है ये तो मैं एक साथ तो इसके तो चंद ही मिलेंगे पूरे पाकिस्तान में जो नहीं। नहीं। उसको इसको फाइनेंस कर सकते हैं तो वाई नॉट गो फॉर क्राउड फंडिंग क्राउड फाइनेंसिंग तो उसको मैं छोटे छोटे स्लाइसिस में ब्रेक कर देता हूँ एक लाख का स्लाइस भी बन सकता है दस का स्लाइस भी बन सकता है और फिर मैं मार्केट में उसको फ्लोट कर देता हूँ इशू कर देता और मार्केट में इवन मेरे जैसे लोग वो जाके ले सकते हैं जो कि शायद दस लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं राइट so, जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने ले लिया तो अब वो क्या वो पार्ट फ्रैक्शनल ओनर बन गए उसके एनहेंस देर इंटाइटल टू दैट प्रपोर्शन ऑफ द रेंट्स और द रिटर्न दैट यू लुक एट दैट पेपर या वंस यू लिफ्ट दैट कर्टन यूड फाइंड अगेन रियल नॉन कंसुबल सिटिंग बिहाइंड जिसके ऊपर अब वो एक सेगमेंट तो है ना जो रिफ्यूज कर देता है, मैं करने ही नहीं है ना ठीक है अभी वो सेगमेंट एक मेजोरिटी सेगमेंट बट ऐसा ऐसा में आ भी रहा है उनको समझ भी आ रही है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो कुछ तो लोग डायहाँ कुछ लोग कहते हैं यार अच्छा ठीक है इस इस्लामिक अवेलेबल है तो अभी एक सर्वे हुआ था शाइन चार्ट का सर्वे था थोड़ा सा पुराना सर्वे तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इस्लामिक दिया जाएगा हाउस फाइनेंस के लिए और नॉन इस्लामिक यानी इंटरनेशनल दिया जाएगा तो 85 परसेंट लोगों ने कहा वीड प्रेफर इस्लामिक बट इस्लामिकल एंड बट मोर डिट मोर एक्सप्लेन वैसे तो कन्वेंशनल प्रोडक्ट क्योंकि हम इतने अरसेनते आ रहे हैं इसके बारे में आपने खुद कहा तीन सौ चार सौ साल से ये वर्किंग uh, है दुनिया का जी जी राइट कलोनियलिज्म के दौर पर ये यहाँ इस एरिया में आ गया अब इस्लामिक को समझने के लिए समझाने के लिए आई डो नो के आम आदमी ये चीज समझता है किस जी बिल्कुल ये तो है बट एंड देन फोर्सिंग एन एंटायर नेशन टू कन्वर्ट ओवर टू अ सिस्टम वेर दे डोंट हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट टू मी बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्रे एरिया नहीं सो फॉर मी द प्रॉब्लम इज नॉट के वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम के अंडरस्टैंड करेंगे कैसे और कितना टाइम चाहिए उसको अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स नॉट रॉकेट साइंस

जिनको आप ट्रस्ट करना पड़ेगा कुछ यानी आप उस लेवल का जो एग्जाम्पल एक शरीया एडवाइजर समझता है को उस लेवल का तो आपको नहीं समझना आपको एक समझना अच्छा बेसिक डिफरेंस कैसे बट इसमें बैंक ठीक है उनके बोर्ड के अंदर ये तक एक रिक्वायरमेंट है मार्केटिंग की नो वुमन कैन बी प्रेजेंट इन दी मार्केटिंग को लेटर दी पीपल वर्किंग इन द बैंक है Hmm. मतलब टू मी दैट आई मीन नॉट पार्ट ऑफ द इस्लामिक बैंकिंग दैट आई वाज थिंकिंग वुड बी इस्लामिक बैंकिंग अल्टीमेटली जो मतलब मैं तो बहुत सिंपल माइंडेड आदमी मुझे सिर्फ ये समझ आती है कि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट यह है कि यार किसी से ज्यादा ना करो ठीक है किसी को अगर पैसे दे रहे हो इतने वापस मत लो कि वो बंदा ही बिल्कुल खत्म हो जाए डूब जाए या वो पूरी जिंदगी उसकी गुजर जाए पैसे वापस करने में hmm. एक रीजनेबल एक अमाउंट दो या उसके प्रॉफिट में या इनको इन्वेस्ट कर दो या प्रॉफिट शेयर कर दो कॉन्सेप्चुअली इट मेक सेंस ठीक है hmm. कि यार अच्छा चले इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर मैं एक रिटर्न ले लूं भाई इन्फ्लेशन अगर दस परसेंट है आपको मैंने सौ रुपए दिया अगले साल आप मुझे एक सौ दस दे दें दैट्स वेरी रीजनेबल हम इसको ओवर कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं विद सो मेनी डिफरेंट वर्ड्स एंड डिटेल्स एंड जस्ट अलॉट ऑफ दैट

And he was one of the people who was against. Okay, you, I mean, once he said to Neil Bors, okay, you mean to tell me that God plays dice? Because stochastic. quantum mm. mechanics. stochastic. Meaning, it was nothing like Einstein discovered, which the physical world. subatomic flips at the atomic level. Mm. So Einstein said, you mean to tell me that God plays dice? So Neil Bors gave a very answer. He said, don't tell God what to do. Mm. <laughs> आप <laughs> तो, हाँ समझ रहे <laughs> तो उनका एरिया था मगर दे कुड नॉट फिगर आउट तो कुछ गॉड का जो एक ज्यूरिसडिक्शन है ना कि हम कहते हैं यार ठीक है कुछ तो मुझे प्रोग्रामड है ना बीइंग यू नो अ गुड पर्सन अ गुड सिटीजन ऑफ इवन ऑफ दिस एज कुछ तो मुझे सेंस है राइट right, रॉन्ग क्या है कुछ सेंस अल्लाह ताला कहते हैं यार मैंने अपने रसूल को भेजा किस लिए अगर तुम्हें सारा सेंस होता तो पहले से

इस तरीके से जी रहे थे कि इट वाज़ नॉट फीजल कम्युनिटी हम मिल के सब आपस में रह सकेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर एंड जिससे टॉलरेंट सोसाइटी तो उनको थी बहुत सारी चीजें देखें हम तो यह भी थोड़ी देर पहले, पहले बात किए है ना हमने कि देखें रूजरी इज नॉट स्पेसिफिक टू स्लॉ तो हर करेक्ट जी हर एज में हर एरा में अल्लाह ने यानी डीलिंग्स के हिसाब से कोई एक ऑर्डर दिया है एक कमांडमेंट दिया है तो अदर एंड फोर्स चैरिटी वो एक रबा का दिया है बड़ा इंटरेस्टिंग एक हमारा राय कैल्डर एक प्रोफेसर है जॉन हॉपकिंस में था उसने किताब भी लिख रहा था किताब उसकी आई भी है तो ये कहता था कि जी उसके पास सारी यानी उसने पता नहीं बुधिस्ट और हिंदू सोर्सेस से और पता नहीं कौन कौन सी बाई सोर्स ये तो अहले किताब है बाकी तो उसने कहा कि यार हर जगह मुझे इंजेक्शन मिलती है इन सम फॉर्म और ठीक है डेफिनेशन जाहिर है कि वो ओवर टाइम थोड़ी सी डिस्फिगर भी हो सकती है hmm. लेकिन तो एम ट्राइंग टू से के वो एक अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन एक्सप्लाइटेशन क्या चीज़ है किसको कहते हैं है? मिसाल के तौर पर मैं उसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि जीफ एग्जाम्पल एवरी बडी एग्रीज बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी जाते हैं यूएस वगैरह वो खास उनमें से बहुत लिबरल भी हो जाते हैं बट समहा वो ड्रिंक भी करने लग जाए दूसरे काम भी करने लग जाए ईट पोर्क वो कुछ ऐसी दिमाग बचपन से बनाएस <laughs> है, it no? <laughs> है अब जो भी है अच्छा अब आप इमेजिन करें फैजान के कोई इस वक्त तो आप पता है अब हर चीज इंजीनियर हो रही है <laughs> ना हर चीज जेनेटिकली इंजीनियर हो रही है वो कहते हैं जी है लेकिन एट फीसेस ईट नहीं करता नहीं। मैं आपको दस चीजें और बता सकता हूँ कि उसकी, उसकी किसी और जानवर में नहीं पाए नहीं। जाते हैं जी हमने कर दिया। तो एट द एंड ऑफ कहेंगे यार पूछेंगे है पोर्क। जी है पोर्क। तो, हम कहें। तो वो जो एक हिमत है ना विजडम हराम होने का वो आपने कह दिया जी फीस खाता अपना ठीक है इस तरह की चीजें हैं लेकिन हमें दे तो दे पता है कि पोर्ट का होना ही हमारे लिए कुरान में जो इंजंक्शन आई है उसके लिए काफी है अगर वो हिकमत और विजडम्स हटा भी दिए जाएंगे रैशनल्स रिमूव भी कर दिए जाएंगे तब भी हम कहेंगे इस तरह से कहीं हमें रैशनल समझ में आएगा कहीं रैशनल समझ में नहीं आएगा फॉर एक्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊँ कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो शहलॉग था वो इस तरह से नहीं था कि वो वहां पर लैंडर एक्सप्लाइटर था और बॉर्वर जो था बेचारा वो एक्सप्लॉयटेड था

बिग हैं हैं और ये कर रहे हैं इंसान को कि वो जो रिस्क रिटर्न के जो एक कंटिन्यूम है उस पर क्या चीज अफोर्ड कर सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिवली अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रसू नहीं कर सकते या स्टॉक एक्सचेंज का इवन कंप्लाइंट स्टॉक्स का रिस्क नहीं ले सकते तो अब आपकी सिचुएशन क्या आपके लिए तो पेंशन में वही जितना मिल रहा है वही मनी मार्केट से उससे मिल रहा है वही बहुत है तो मैं इस पर आता हूँ कि हाउ डू यू बिल्ड एन लाइफ अराउंड हाउ डू यू बिल्ड योर फाइनेंशियल लाइफ बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल आता हूँ बट आई वॉन्ट ऑफ गो ओवर दिस लिस्ट मेड फॉर सेल्फ तो मुदारबा मुशारका मुशार तक तब मैं आई थिंक मुझे एक आइडिया हो गया क्या है मौझ, क्रेडिट होल्ड yes. so no right right so बैक करता है जैसे तो मैं एक राइस ट्रेडर हूं ठीक हाँ, है मैंने हुँ. मार्केट में आगे अपने अपने बायर को राइस बेच दिया जब वो मुझे पैसे देगा तो मैं पीछे अपने राइस फार्मर को पैसे दूसैक्टली exactly, ये भी हो सकता है So as और टिपिकली रॉ मटेरियल के लिए फंडिंग रॉ मटेरियलिकली वो स्पिन धागा हो या कुछ भी हो आगे कोई सरिया हो कुछ भी हो सीमेंट हो तो बैंक खरीद लेता है, हाँ, बैंक है। तो बैंक खरीदता है और फिर वो लोन लैंड कर देता है uh, बैंक आपको फिर बेचता है अच्छा बेचता है Which is, हाँ, मुराबा का मुराबा बेमोज की जो फॉर्म जो है और इसमें ये जो इसकी लिटरेसी आती है कुरान की से आती है बे यानी ट्रेडिंग को सेल को हलाल किया और रबा को हराम किया तो अगर वो उसमें शामिल कर लेते हैं तो वो जाता फिर आपने इसमें रफ्स तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ लार्ज जो थे फार्मर्स थे एग्रीकल्चर थे और जब रिबा की हरमत आई जब इंजेक्शन आई तो उस वक़्त साहबा जो थे डेलीगेशन में आए उन्हें क्या रसूला ये तो हम अपनी सारी कल्टिवेटिंग साइकिल जो थे फंड करते थे रिबा बेस्ड लोन से अगर बेस लोन नहीं होगा तो तो हम कैसे फंड करेंगे? उनको रिकमेंड किया कि तुम प्रोड्यूस 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 को को नॉट अपनी जमीन के एनी उसको एडवांस में सेल करके प्राइस पहले अपफ्रंट ले लो सो लेट से मेरे पास मैं एक राइस फार्मर हूँ राइट right. मेरी काश्त आ रही है right. तो आप ये नहीं कहते कि मेरी जमीन आप एक कॉमोडिटी डिफाइन कर देते ठीक है जैसे तो। फ्लोरिडा स्टॉक इट्स नॉट कि मैं अपनी कल को मेरी जमीन से कुछ ना निकले आई कैन स्टिल गो इन मार्केट एंड बाई इंड आइडिया

करण झाला ये होता है कि हमने दोनों ने ऑरेंज की डिलीवरी पे बात की लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया नहीं। तो जब डिलीवरी का टाइम आया तो मैंने आपको जाके बहुत ही सब स्टैंडर्ड ऑरेंजेस डिलीवर कर दिए आपने कहा ये क्या है और हमने दोनों ने एक दूसरे की गिरबान पकड़ ली तो इस्लाम वॉन्ट्स टू अवॉइड एनी सच कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी तो इस्लाम में कहता है स्पेसिफाई करो इस्लाम ये भी नहीं अलाउ करता कि मेरे घर में एक प्लम्बर आया है और प्लम्बर जो है मेरी चीजें हम उससे पहले उसको वो सारी चीजें देख कर उससे एस्टिमेट बनवाएं क्योंकि वरना क्या होता है जब ओपन डील होती है ना वो दिन के आखिर में काम करके आता है जी मेरे तो दंद दन, काम करें पाकिस्तान में जितने वर्कशॉप के मैकेनिक्स हैं ना ये उनको जरा <laughs> <laughs> क्योंकि ये आई डोंट समझाते ये नमाज तो सारे पढ़ते हैं लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट शायद उनको रह गया है और देखिए इसमें क्योंकि वो गाड़ी आपका पूरा इंजन खोल के फिर बताते हैं कि आपका बिल क्या बने एंड वी आर लाइक सेटिंग डक्स

कर्ज नहीं लेना चाहते थे तो मैं मोहम्मद बिन हब्बल उस जमाने में उन्होंने एक ओपन किया कि अच्छा ये इट्स अ पॉसिबिलिटी कि मेरे जैसा आदमी है जो अपनी इज्जत नफ़ सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं टारिश करना चाहता तो मैं क्या करता हूँ मार्केट से मार्केट में क्रेडिट पे कमाडिटी मिलती है तो मैं कमाडिटी मार्केट में क्रेडिट पे बाय कर लेता ठीक ठीक है है आई इट ऑन स्पॉट जो स्पॉट पर जब मैं बेचता हूँ तो मुझे इसकी लिक्विडिटी मेरी क्रिएट हो जाती है मुझे फाइनेंस मिल जाता थीक है ठीक है ठीक है मेरी जो नीड है मैं उससे पूरी करता हूँ और जब टाइम आता है जब उसको जो मैंने खरीदी थी उसको क्रेडिट की पेमेंट का तो मैं उसको पे कर देता हूँ अपनी जरूरत पूरा करता हूँ फंडिंग हो जाती है तीन महीने की छह महीने की वट एवर पीरियड आई वॉन्ट टू फंड सो ये वो चीज़ होती है जिसको हम तवरुख कहते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स इसकी बेसिस पे इस्लामी फाइनेंस में भी चलती है जहां मेटल एक्सचेंज को इन्वॉल्व करके कमोडिटी कमराबा करते हैं उसको बाय सेल करके किसी सेविंग डेफिसिट यूनिट की नीड को पूरा करते हैं इजारा इजारा इजारत हमने कहा इजारज तो हम शुरू से बात कर रहे हो जो रेंट का जो काम जी 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 कि किसी चीज़ की इंट्रेंसी यूटिलिटी है हम ओनर हैं हम उसको आगे पैसा ऑन करते हैं हम कहते हैं यार साल के लिए इसको तुम इसकी यूटिलिटी को एंजॉय करो और हमें इतनी रेमोडेशन पे कर अच्छा इसके अंदर देन देर टू बी समथिंग सब्जेक्टिव कि भाई मैं कोई अन अमाउंट ना ले रहा हूँ बट टेक्निकली नथिंग कैन बी अनरी इट इज ऑफ वैल्यू टू यू अगर आप समझते हैं कि इसकी वैल्यू वैल्यूट ए मिलियन डॉलर्स अ मंथ है कि यार ये टेबल पर आप बैठ के काम करें So, it's, you मैंने think को it's कि, जो मैंने से पहली बात के, की सेल के तो को कैप करता है लेकिन इस्लाम याद रखियेट आउट ना हम जब कम्प्लाइंट की बात करते हैं ना तो कुछ चीजें अलाउ जरूर होती है लेकिन आइडियल नहीं होती राइट तो ये हमें थोड़ा सा वाच आउट करना है कि आइडियल देखें उसमें फिर भी ये होगा फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा इंटरेस्टिंग है उमर का कि जब बहुत फेमन था बहुत स्ट्रांग ड्राउट था आया हुआ था मदीने के अंदर तो उस वक्त हजरत उमर ने एक आदमी के साथ खाना खाया तो वो जो था ना वो उसको बहुत आखिर तक क्लिक करता रहा उसने कहा तुमने ऑलिव ऑयल पहले नहीं खाया गया उसने कहा यानी या अमीर मोमिन मैं तो मदरसे से नहीं खाया इस ड्राउट में हजरत उमर ने मालूम किया तो उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं भी नहीं खाऊंगा अच्छा फिर वो चला कि नहीं जी मार्केट में अवेलेबल हो गया है hmm. तो उनके जो खादिम थे उन्होंने ला पेश किया उन्हें कहा अच्छा अवेलेबल हो गया उन्होंने कहा हाँ नहीं अब तो अवेलेबल है मार्केट उन्होंने कहा कितने का मिल रहा है चालीस धरम का मिल रहा है तो उनका फोर्टी धर्म स्टिल टू एक्सपेंसिव मैं नहीं खरीदूंगा उसको मेरे लिए मत लाना क्योंकि इवन अ कॉमन मैन के नॉट एक्स के नॉट अफोर्ड इट एट फॉर फोर्टी धरम्स तो जब वो बिल्कुल आसान से अवेलेबिलिटी नहीं होगी तब तक उन्होंने उसको खाया नहीं दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑन हिम मतलब मेरे पास पैसा 40 धर्म लेके मैं खरीद सकता हूँ वो एवर कैन लेकिन इस्लाम इससे कहीं ज्यादा है इस्लाम वो वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट करता है जहाँ आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं वो इस्लामिक बैंकिंग में चूंकि हमारा वो ज्यादातर वी वी यू नो वी आर फोकस्ड ऑन के यार ये हरा, हराम की लाइन से निकल के हलाल की लाइन में चला जाए सो वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ इट फ्रॉम ए कम्युनिटी पर्सपेक्टिव एंड वेल बीइंग एंड ए वेलफेयर पर्सपेक्टिव

A state wants to actually truly have an Islamic finance system. Let's say that's. Or, or make it even broader Islamic economy. An Islamic economy, right? Let's say that's problem A uh, question one. K, How do you create an Islamic economy? Let's say we can't create an Islamic economy for various reasons. How can I, as an individual, create an Islamic financial system for my?

क्योंकि अभी तो जक़ात भी है एस एस टी भी है जी एस टी भी है अब ये भी है पेट्रोल पर पे भी टैक्स है मतलब हाँ जितना टैक्स देंगे वो है? है बट एक एक मतलब अब एक मॉडर्न इकोनमी की एवोल्यूशन भी हुई है वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट प्लेस जहाँ पे बड़ी पब्लिक गुड्स की हमें जरूरत पड़ती है वो हो सकता है कि यूज़ पे डिपेंड करता हो आप रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं पार्क को इस्तेमाल कर रहे हैं चलें तब पे कर लें जनरल टैक्स नहीं होगा लेकिन जो टैक्स लिया जाता है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वी बिलीव कि वो जक़ात अगर हर एक कोई प्रॉपर्ली अदा करे तो बड़ी हद तक वो पॉवर्टी एलिवेशन हो सकती है तो इन एन इस्लामिक इज इस नो टैक्स इज ओनली ट्रडिशनली देखें दो चीजें चीज़ें होती थी दो तीन चीज़ें होती थी एक तो जक़ात होती थी उशर होता था वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है सारा कुछ इसके अलावा सदक़तुल्फर वाजिब के दर्जे में था इसके अलावा जो था वो जिजिया होता था क्योंकि बहुत जल्दी इस्लामिक एम्पायर जो बनी थी वो इस्लामिक खिलाफत जो बनी थी उसने बहुत तेज़ी के साथ दूसरी नेशनस को और जो मुसलमान नहीं होते थे वो दे वुड कंटिन्यू टू पे जजिया उस in uh, exactly, हिसाब हाँ. तो तो से मैनेज करना पड़ेगा तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हूँ मूव ऑन फ्रॉम जस्ट इस्लामिक फाइनेंस इस्लामिक इकोनॉमी तो मॉनिटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी बजट कैसे होंगे ठीक है यू हैव टू स्टार्ट विद्लो फर्स्ट मतलब आप इनफ्लो इस्लामिक तरीके से लेंगे तो आउटफ्लो इस्लामिक तरीका अपनाएगा जी 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 बट यहाँ पर अगर इस वक्त हम जैसे बहुत बड़ी एक जो जो बड़ा एलिफेंट है रूम में इस वक्त वो आई एम एफ वगैरह के लोन है कि उनको क्यों नहीं हम इस्लामिक कर सकते ये बहुत से जो गवर्नमेंट लोन है अभी उस दिन भी आपने सुना कि थर्टी फोर आई एम एफ को बना दे इस्लामिक मॉनिट्री फंड

अगेन एक चीज़ ठीक है अल्लाह के रसूल ने मना नहीं की कैटेगोरिकली कि कर्ज ना लो लेकिन प्रूडेंस का तक भी है और तौसम की uh, रवैये से पता चलता है कि वो नमाज जनाजा उसकी नहीं पढ़ा पढ़ाते थे जब तक कि उसका कर्ज़ अदा नहीं हो जाता था अगर उस पर कर्ज़ होता था उसकी ऑब्लिगेशन होती थी तो नमाज जनाजा तब तक आवल इसकी नहीं पढ़ाते थे तो एक इंडिकेशन आपने दिए कि कर्ज़ लेना एक नेसेसिटी बहुत यूर कॉर्नर्ड तो ठीक है वरना आप सिर्फ अपनी लगजरीज़ के लिए कर्ज़े ना लें नहीं बट पूरा इज ऑन फाइनेंसिंग इस्लामिक तो नहीं है ना तो तो ठीक है और उनका अमेरिकन ड्रीम है और उसके हमने सारी फॉल आउट भी देखे हैं उसके आपको पता है अमेरिकन ड्रीम क्रश होते हुए देखा है इस वक्त अगर हम देख लें कि कितने लोग विदाउट अ हाउस है यूएस स्ट्रीट पे तो वो एक बड़ा क्लियर तो यू डोंट थिंक फाइनेंस कर्ज जो है कर्ज का कॉन्सेप्ट फिर एक इस्लामिक इकॉनॉमी के अंदर

Uh, he would not buy on credit. he would not sell on credit. and he was a multi-billionaire mm. so he still, you know, he uh, I mean, he was. He came to zero when he migrated to medina. Mm. all he was carrying was a, some cheese to sell in the market. and from there he grew without mm. having this formula. very interesting, jubaata paaleka. margins with bata very turnover pace, bottom line, the boost not on the margins. Mm. यानी वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं बेचते थे वो ज्यादा बेचते थे उससे उनका टर्न आता था उससे उनकी बिजनेस मॉडल इस तरह का था तो बहुत सी चीजें ऐसी नहीं कि वन वुड से कि जी अब्दुलरहमान बिन ऑफ मॉडल इज अ फर्ज मॉडल उसके अलावा चीजें हराम है लेकिन बहुत सारी चीजें प्रूडेंस से भी आती हैं अब इस्लामिक सोसाइटी में कोई अल्लाह के रसूल ने नहीं, नहीं कहा कि आपने किसी ने वापस किया आपको चीज़ से जरूरी लेकिन ये बड़ी जबरदस्त उसकी फजीलत सुनाई कि अगर आपने सेल किया हुआ है और उसमें कोई ऐप भी नहीं है और वो आपका लेना बनता भी नहीं आप लेंगे तो आपकी मफरत होगी क्या होगी एग्जैक्टली exactly मुझे याद नहीं लेकिन बड़ी जबरदस्त फजीलत है उसकी तो तो वो चीज़ वॉलमार्ट तो कर रहा है वो चीज मेरी वाइफ ने मेरी सिस्टर लॉ ने वो एक मेसी से जेसी पेनी से एक चीज ली थी और उनको वॉलमार्ट पे बता के रिटर्न की कि हमने आपसे ली भी नहीं है जेसी पेनी से लिया और उन्होंने ले ली करके दिखा था यहाँ करके दिखा था

मुझे बायस उस तरफ होता है अगर ये बच्चों को इनकलकेट किया जाए कि देने से खुशी मिलती है अब ये मैंने ये कोई आपके दारफ्ताह का फतवा नहीं बता रहा यह जो हैप्पीनेस लिटरेचर इस वक्त सेंटी ला, ये, ये जो सेंटी लॉरस ला, है क्या नाम उसका नाम है डॉक्टर ये टीच कर रही है ये आई थिंक येल में कोर्स पे हैं। makes you feel happy. हाँ, और है, दूसरे लोग रहे हैं कि वही डेढ़ डॉलर का बर्गर खा लो डेढ़ डॉलर किसी के साथ शेयर कर लो दैट मेक्स यू हैप्पी अच्छा वो तो चलो हम मानते नहीं है मुसलमान और वो उस पर भी उनको हैप्पीनेस मिल रही है तो आपकी ईमान के साथ तो आपको और टिक मिलनी चाहिए हुँ. आपके यूटिटी फंक्शन तो और फर्क होना चाहिए हुँ.

लार्जेस्ट क्या है वो चीज़ हम बाद में रिलाइज कर लेते हैं बट एजुकेशन सिस्टम में कहीं आ भी जाता है बट hmm. जो इस्लाम का अगर इस्लामिक एजुकेशन मेरा ख्याल नहीं आएगी ना hmm. तो इस्लामिक सोसाइटी भी नहीं आ सकती इस्लामिक भी नहीं आ सकती तो ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि एक पूरी सोसाइटी को चेंज yeah. करना इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग टर्म आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए बट द रियलिटी इज कि कल चेंज नहीं होगी इट गिस्ट टेन ट्वेंटी ईयर्स ऑफ फ्रेश एजुकेशन टू बिल्ड दैट चले मैं कहता हूं वो एक तरफ कर दें आज मुझे इस्लामिक फाइनेंस अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में इनकोपरेट करना है एज एन इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूँ वट स्टेप्स कैन आई टेक फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी आपके फाइनेंसिंग है इन्वेस्टमेंट्स है उसको आप ज़ाहिर शरिया कम्प्लाइंस बेसिस पे लेकर आएंगे उसमें स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं प्राइवेट इक्विटी में भी कर सकते हैं वेंचर कैपिटल में भी कर सकते हैं मनी मार्केट में भी कर सकते हैं तो हर एक के आ, हर एक के पैरल्स मौजूद हैं इस्लामिक साइड पर और उनके रिटर्न भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हो तो आप उस पर शिफ्ट कर लें पहली बात ठीक है दूसरी बात यह कि ज़ाहिर है कि जो मैंने एक बात ब्रॉडली कही थी कि अगर आप कहेंगे किसी मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि कैन आई सेव एंड कैन आई अक्यूमुलेट वेल्थ तो चंद क्राइटेरिया हैं जो आपको फॉलो करने हैं नंबर वन आपकी अर्निंग हलाल है क्या आप उसमें से ज़क़ात और दूसरी ऑब्लिगेटरी चैरिटी चारिट, चैरिटी पे ऑफ कर रहे हैं क्या आपने अपनी बहन का या किसी और का हिस्सा रोक के आप तो उस घर में रह रहे हैं जो आपको इनहेरिटेंस में मिला लेकिन उसकी जो बहन का हिस्सा मांग रही है आपने भी सबर करो दिस नॉट इस्लामिक फिर आप आगे चलते हैं तो आप बेसिकली यानी इस्लाम में एक और चीज़ जो मना है वो शोइंग ऑफ है तो आप गाड़ी लेते हैं आप बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी लें लेकिन आप अपने ले लेते हैं यू डोंट थिंक के अरे दूसरे लोग क्या कहेंगे अरे फलाने गाड़ी ली थी तो मैं उससे अच्छी गाड़ी ले रहा हूँ ये चीज़ इस्लाम में आउट राइट मना है तो अच्छी गाड़ी फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर पंद्रह करोड़ की ब्रांड न्यू लैंड क्रूजर चाहिए इवन दो एक पचास लाख की लट से सिटी विल डू द सेम एग्जैक्ट जॉब ए टू बी जाना है ना मुझे

तो, तो सब कहेंगे कि हाँ मतलब वाई नॉट मतलब रहायश तो ये तो बहुत जरूरी है तो उसमें बहुत नेकी मिलेगी आप घर वालों के लिए नान नफके के साथ उनका एक छत ले रहे हैं तो दिस इज नथिंग लाइक इट वाई नॉट अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर बनाए रहायश तो कहेंगे अच्छा आप फैज़ान साहब पूछते हैं कि जी मुफ्ती साहब रिहायश तो ठीक है बट मुझे ज़रा सी आसाइश भी चाहिए कम्फर्ट चाहिए ज़िंदगी में एक ही दफ़ा इंसान घर बनाता है फैज़ कहेंगे हाँ ठीक है कम्फर्ट तो होनी चाहिए क्योंकि मस्कन कहते हैं अरबी में तो मस्कन सुकून से वही रूट वर्ड है तो हाँ सुकून तो मिलना चाहिए दैट्स ओके okay, आप अपना कंफर्टेबल रहें घर में उसका मकसद यही है फिर आप कहते हैं नहीं थोड़ा सा मुफ्ती साहब मेरा मसला यह है कि मैं बियॉन्ड रिहाइश एंड आसाइश मेरा बचपन से बड़ा एक जमालियाती ौक जो था ना बड़ा ज़बरदस्त था तो मैं आर्टिस्ट आर्टिस्ट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर डेकोरेशन हो एलिवेशन हो उसके अंदर एंगल्स हों उसके अंदर स्प्रेड्स हों उसके अंदर एरियाज़ हो सन रूम हो तो मुफ्ती साहब थोड़ा सा थोड़ा सा थिंकिंग मोड में जाने को लगे कि फिजान साहब देखें ना असल घर तो आखरत का घर है वहाँ हमेशा हमेशा रहना है तो आप जो रिमिट कर सकें आखरत में रिमिट करें यहाँ पे क्यों बना रहे हैं तो नहीं, नहीं मुझे हराम हलाल बताएं कि हराम है या हलाल तो है नहीं हलाल तो है बट देखिए ना इस्लाम इनक्रेज यू फॉर दियर आफ्टर टू बिल्ड योर अबोट देयर राजर तो आपका जितना भी ये आर्टिस्टिक सेंस है और वो उसको आप कंट्रोल कर ले थोड़ा सा नहीं हला, हलाल तो है ना मुफ्ती साहब नहीं हलाल तो है आप अपनी खुशी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं और उस किसी किसी को नुकसान नहीं कर रहे जुल्म नहीं कर रहे तो बना ला फिर आप कहते हैं कि जी मुफ्ती साहब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हाउस बने ना वो होम मैगजीन के फ्रंट कवर पे आए और जो गाड़ी गुजरे वहाँ से वो

तो आप इसके बेंच मार्क्स नहीं बना सकते ना? हाँ? So, so hmm. जो मैं टेक अवे ले रहा हूं आपकी बात से एक तो इट्स नियत ड्रिवन सबसे पहले तो नियत आ जाती That's है ठीक है जी? अगर मैं अपने लिए कर रहा हूँ अपने जात के लिए कर रहा हूँ शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहा और अगर सारी ट्रांजेक्शन और डीलिंग्स में जो कुछ भी मैं डील कर रहा हूँ चाहे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ लोन्स दे रहा हूँ क्रेडिट सेल कर रहा हूँ बोरोइंग कर रहा हूँ एवरी थिंग टू बी एक्यूरेटली डॉक्यूमेंटेड बिटवीन द टू पार्टीज हाँ डॉक्यूमेंटेड होना ट्रांसपेरेंसी जरूर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एन एलिमेंट ऑफ रिस्क शेयर जरूर रिस्क जरूर होगा जब आप ऐसे टोन करेंगे किसको रेंट पे तो उसको अगर अगर मैं ये इनकेप्सुलेट कर लूँ चीजें हाँ क्या एम आई लीडिंग एन इस्लामिक लाइफ फ्रॉम द ऑफ फाइनेंस बेशक मैं इस्लामिक बैंक पे बैंकिंग ना कर रहा हूं बेशक मैं वो लेट्स से मैकेनिकल चीज़ें वो ना कर रहा हूँ बट आई एम फॉलोइंग दीज प्रोटोकॉल्स ओवर वाचिंग प्रोटोकॉल्स लेकिन दीज आर गुड एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स जैसे हमें डॉक्टर्स भी ना जब जाते हैं तो वो जनरल प्रिंसि देते हैं कि देखो ये टेड फैट ना खाओ ये प्रोसेस फूड कंज्यूम ना करो ये शुगर ना लो ये ना लो लेकिन हर एक सिचुएशन जो होती है जब वो किसी स्पेसिफिक किसी अपने प्रॉब्लम में फंसता है तो उसको फिर एक्सपर्ट को कंसल्ट करना पड़ता है hmm. इस सिचुएशन में मेरी ये डीलान एंडर hmm. और वहां पर उनका आता है कि अच्छा ये मुदारबा है मुशारका है hmm. क्या डूज एंड डोंट्स है तो वहां पर अब स्कॉलर भी बहुत माशा एक जमाना था जब स्कॉलर्स खुद इन चीजों से कनेक्टेड hmm. नहीं थे

मतलब इट्स इजी आई जस्ट फील के समटाइम्स वी ओवर कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी जी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जी. लेकिन इसमें इतनी डिटेलिंग है कि आई थिंक कि अगर हम एक बचपन से इसकी अंडरस्टैंडिंग ना बिल्ड इन करना शुरू करें जो आपने बात रेज की थी एजुकेशन की अगर वो एजुकेशन में इम बिल्ड ना करें आई थिंक वी विल लूज आउट ऑन दी एसेंस ऑफ वॉट इट इज एंड एसेंस इज एक्सट्रीमली प्योर इट्स अबाउट लिविंग टुगेदर इज अ कम्युनिटी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट और सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट अमूमन पैसों पे ही होती है तो this is really really helpful thank you so much dr zishan both mazaya i can do a second version of this i can do a third version of this there's so much more to learn from you inshallah our inshallah the barakabulayang is amazing it was wonderful for me i really enjoyed it thank, thank you. you and thank you all for tuning into digital stay tuned for more please like subscribe comment kare jobi apke comments utaem feedback later incorporate karen shows and shows. and keep them coming bye bye